आपको बता दें सीएम नायब सिंह सभा करने वाले हैं मुख्यमंत्री बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे रैली। सीएम स्टैली लोगों से वोट देने की अपील करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर ये चुनाव प्रचार बेहद महत्वपूर्ण। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश का दौरा रहेगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। ऐसे में मुख्यमंत्री की जो है तमाम जिलों को साधने की आज कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को साधने की कोशिश होगी। तो मुजफ्फरनगर सहारनपुर ये तमाम वो जिले हैं जहां पर आज सीएम सैनी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी हुई। तो सहारनपुर बिजनौर मुजफ्फरनगर ये तमाम वो जिले हैं जहां पर आज सीएम सैनी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सहारनपुर बिजनौर मुजफ्फरनगर में आज चुनावी सभा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे सहारनपुर का रुख करते हैं जहां से हमारे संवाददाता चंद्रभान इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रभान, क्या जानकारी है? हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है आज उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं नायब सिंह सैनी, तो ऐसे में उनके कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारियां दर्शकों को दीजिए। चंद्रभान, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज जो है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, मैं बता दूं कि सहारन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार उत्तर प्रदेश में यानी कि सहारनपुर में आ रहे, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन वो चुनावी यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पे सहारनपुर मंडल की बात करें तो यहाँ पे उनकी 3 चुनावी जनसभा है, जिन चुनावी जनसभाओं में वो यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे और वहाँ पे जनता को संबोधित करेंगे, जिसमें जो है कैराना लोकसभा की जो सबसे पहली जो उनकी रैली होगी, कैराना लोकसभा क्षेत्र के नकोड़ इलाके में उनकी रैली होनी है। इसके बाद में दूसरी जो उनकी रैली होनी है वो सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का सालासर गांव है, वहां पे उनकी वहां पे रैली होनी है। इसके अलावा फिर उसके बाद में मुजफ्फरनगर में उनकी एक रैली होगी, चुनावी जनसभा होनी है, जहां पे जो है खास तौर से जो है इस समय जो है, क्योंकि माना जा रहा था अभी कुछ समय पहले ही सैनी समाज के लोगों ने जो है इसका विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन कल से यहाँ पे सैनी में बदलता नजर आ रहा है। कल सैनी समाज जो है सैनी समाज एकजुट हुआ, सैनी समाज के जो तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की बात कही। लेकिन उसी से जुड़ा हुआ ये देखा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी जो है, क्योंकि सैनी बिरादरी से संपर्क रखते हैं और जो सैनी बिरादरी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो नकुड़ क्षेत्र में और सहारनपुर क्षेत्र में, यहाँ पे दोनों में ही एक अच्छी खासी संख्या है, ये संख्या बल बहुत अच्छा है और जिसको लेके जो है यहाँ पे आज जो ये सभा होनी है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सभा मानी जा रही है। और खासतौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री जब यहाँ पे आ रहे हैं तो लोगों में एक खासा उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो सैनी समाज को एकजुट करने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में चंद्रभान क्या माना जाए जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है, आपने बताया किस तरह से महत्वपूर्ण है, तो क्या माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद से चुनावी बयार किस तरह से सहारनपुर में बदल सकती है? मैं बताऊं कि सैनी समाज हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, लेकिन कुछ समय से जो है क्योंकि चुनावी माहौल था, यहाँ पे जो है दल बदल जो लोग है वो जो है हमेशा जो इस तरह की राजनीति चलती रहती है, तो जो है अभी सैनी समाज हालांकि ये कहा जाए कि एक जो है धमकी ही मात्र कही जाएगी, तो उसको धमकी दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, लेकिन जो यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए इस बार जो दिखाई देंगे सैनी समाज, इस समय जो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो ये जो रैली है नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आएंगे, तो निश्चित तौर पर क्योंकि हरियाणा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए चंद्रभान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए